अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक टीचर हैं, मेरी खुशकिस्मती है और आप सब की खुशकिस्मती है कि वो टीचर बहुत फेमस हैं। इतने फेमस कि हर एज का बंदा उन्हें सुनता है और हर फील्ड का बंदा उन्हें सुनता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कासिम अली शाह। मुझे जो है उनसे वर्चुअल फिज़िकल मुलाकात करके, बात करके, ट्रेनिंग्स अटेंड करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एक दफ़ा ऐसी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन हुई, गर्मी ज़्यादा थी। उन्होंने एक बात कही थी, ये बड़ी मशहूर ज़माना बात है लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ, उस्ताद की बात दोहराना भी इबादत है। उन्होंने कहा कि जिस हाल में रहना मुश्किल हो उस हाल में रहना लाजिम है। आपको पता है जब खैबर फतह हुआ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। उस वक्त इतनी दौलत उन्हें मिली थी, कौन बताएगा क्या किया? मेरे नबी ने बांट दिया। खैबर फतह होने के बाद भी मेरे नबी ने फाके किए। मुश्किल था ना, फाकों में रहना आसान तो नहीं, लेकिन जिस हाल में रहना मुश्किल हो। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उम्मीद है आप सबको जो है इस चीज़ में दिलचस्पी होगी। एक कारीगर था, उस कारीगर ने मिट्टी तैयार की। कारीगर क्या करता था, मिट्टी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता था। इसने मिट्टी को तैयार किया और इसने इरादा किया, इरादा कहाँ होता है, इरादा किया कि मैं इस मिट्टी से चिलम बनाऊँगा, सुल्फी बनाऊँगा। उसने इरादा किया, वो बनाने लगा। एकदम से उसकी बीवी आ गई। बीवी ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा सुल्फी बना रहा हूँ। तो बीवी ने कहा कि सुल्फी क्यों, एक काम करो, मैं पानी पीने वाला प्याला बना लो, वो बिकेगा भी, गर्मी का मौसम भी आ रहा है, लोग पानी ठंडा करके उसमें पियेंगे। उसने कहा क्या बात है। इसने एकदम से जो है दूसरा इरादा किया और फिर से मिट्टी में, इसने जैसे ही हाथ डाला मिट्टी बोलने लगी। मिट्टी ने कहा ये क्या कर रहा है तू, कि प्याला बना रहा हूँ। तो मिट्टी ने जवाब दिया पहले क्या बना रहा था, कहा कि पहले मैं सुल्फी बना रहा था, चिलम बना रहा था। तो उसने कहा ऐसा क्या हुआ कि तूने जो है मुझे उस सुल्फी से अब प्याले की तरफ आ रहा है। उसने कहा बस मेरा इरादा बदल गया, मेरा ख्याल बदल गया। मिट्टी ने कहा तेरा तो ख्याल बदल गया, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं अगर चिलम बनता, मुझे नशेई मवाली मुँह लगाते, सारा दिन मुझ में आग भरते, मैं भी जलता और वो भी जलते, लेकिन अब तू पानी का प्याला बना रहा है, मैं भी ठंडा होऊंगा, मुझे पीने वाला भी ठंडा होगा। वाह रे वाह मेरी किस्मत, ख्याल की तासीर ही कुछ और होती है। ख्याल बदलेगा तो सेमिनार करने का ये मकसद नहीं होता कि आपके दो घंटे ज़ाया करना। आप सब काम वाले लोग हैं, आपको पता भी नहीं आपके दो घंटे की कितनी कीमत है। हर किसी को सुनने वाले चाहिए इस गर्मी में भी, लेकिन हम अगर आपको मजबूर करें बैठने के लिए तो हो सकता है कोई एक ख्याल मिल जाए आपको और वो एक ख्याल आपकी ज़िंदगी बदल दे। हो सकता है किसी के लिए कोई ख्याल हो आज। आर यू रेडी? आज जो है वाला मेरा जो खासतौर पर मौजू है वो लर्निंग एटीट्यूड है। याद रखिए, लर्निंग ज़रूरी नहीं, किताब पढ़ना जरूरी नहीं, किसी सेशन को अटेंड करना जरूरी नहीं है, जरूरी है लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग इज नॉट नेसेसरी, लर्निंग एटीट्यूड इज नेसेसरी। 5 साल लाइब्रेरी आते रहे, लर्निंग तो होगी, लेकिन जब तक ये लर्निंग एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ आप जिंदगी में कोई कारनामा नहीं कर सकते। लर्निंग एटीट्यूड जिसके पास होता है वो शख्स इतना पढ़ता है कि वो दलील बन जाता है, कहता है ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा। रसूलल्लाह आप फरमा दें कि अगर पीछे से कोई जंग, कोई लश्कर आ रहा है तो मान लेंगे। याद रखें एक बड़ा खास जुमला है कि कलम आपकी रद्द में हो या आपके हक में हो, आपको इग्नोर ना कर सके, इतने बड़े इंसान बन जाए, आपके लिए लिखा जाए, आपके मुखालफत में लिखा जाए, बट लिखा जाए जरूर। सो बुनियादी तौर पे जब इल्म ख्यालात की सूरत में आप तक पहुंचता है तो आपकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाती है। लाइब्रेरी में बैठे हुए आधे से ज्यादा बच्चे मुझसे और सर बाबर से ये बहस नहीं निपटा सकते कि इल्म जरूरी क्यों है। जब इसी लाइब्रेरी के बाहर खड़ा हुआ बिरयानी वाला लाख रुपए महीना कमा रहा है तो इल्म क्यों जरूरी है यहाँ पर? इल्म इसलिए जरूरी नहीं है कि लाख रुपए कमाने हैं। सो लर्निंग एटीट्यूड कैसे डेवलप किया जाए, ये सवाल है। मैं जब आज के सेशन की तैयारी कर रहा था तो मेरी आदत है मैं लाइब्रेरी को देखता हूँ, किताबें देख रहा होता हूँ, तो उसमें किताब निकल आई। किताब का नाम है द 4-Hour Work Week। व्हाट इज द नेम? ये कह रहा है कि हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करो। जिस किताब को पढ़ेंगे ना पूरे, इस किताब का मफहूम ये है कि कामयाब लोग कम काम करते हैं, दे वर्क लेस, नाकाम लोग ज़्यादा काम करते हैं। सुना है कभी? हमने क्या सुना है? मेहनत कर, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। किताब पढ़ें आपका नज़रिया बदल जाएगा, ये दलील के साथ साबित करती है किताब। जितने दुनिया के कामयाब लोग हैं आज वो इतना काम करते ही नहीं, और जब उन्होंने काम किया भी तो किस तरह से किया वो लिखा हुआ है। कि किताब मुझे इसलिए पसंद है, इस किताब के हर टॉपिक के अंदर आपको एक नया ख्याल मिल रहा है, मतलब जो ख्याल हमारे अपने नजरिए के मुखालिफ है। ये कहता है नेवर फॉलो द पॉपुलर ट्रैक, जहाँ सब जा रहे हो मत जाओ, भेड़ चाल, सबको डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको BBA करना है, ये कहता है नहीं करना। ये कहता है कामयाब लोग कभी भी पॉपुलर वे फॉलो नहीं करते। सो किस तरह से हम लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करते हैं, दिस इज माई टॉपिक। थोड़ा बहुत मैं अपना तारुफ करा दूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और सर डिग्री चल रही है मेरी। उसके अलावा जिस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है वो ये कि मैंने बेशुमार इदारों में, बेशुमार लोगों से, बेशुमार किताबों से इस्तफादा किया। गोल्फ़ एक गेम है, अब पता है गोल्फ़ कौन खेलता है?
कि जितनी भी इलीट क्लास होती है, इलीट में सारे अमीर नहीं आते, कामयाब लोग आते, बेशुमार कामयाब लोग दुनिया के गोल्फ खेलते हैं, पाकिस्तान हो या दुनिया के अंदर। ये कि दो दोस्त थे, दोनों ने एक ही कॉलेज से डिग्री की, दोनों ने एक ही कंपनी में नौकरी ली, दोनों की एक ही जितनी सैलरी 25,000 रुपये महाना। दो साल गुजरे, सैलरी में चेंज आया, 25,000 से एक दोस्त की सैलरी हो गई 40,000 और दूसरे दोस्त की सैलरी हो गई 80,000। 5 साल गुजरे, जिस दोस्त की 40,000 सैलरी थी उसकी सैलरी अब हो गई 80,000, लेकिन जिस दोस्त की 80,000 सैलरी हुई थी उसकी सैलरी हो गई अब 2.5 लाख रुपए। और अब 10 साल गुजर गए दोनों को नौकरी करते हुए, एक दोस्त की सैलरी हो गई 1.5 लाख रुपए, जिसकी 80,000 हुई थी उसकी 1.5 लाख हो गई 10 साल नौकरी करने के बाद, और जिस दोस्त की सैलरी 2.5 लाख थी अब वो 30 लाख रुपए महाना कमा रहा था मंथली। जो ये जो कहानी बता रहा हूँ मैंने खुद उस एक आदमी से सुनी है, जो 1.5 लाख वाला है ना, वो मुझे खुद सुना रहा था ये कहानी कि मेरा दोस्त जो है मेरे साथ पढ़ता था, मेरे साथ खेलता था, और आज जो है वो 30 लाख रुपए महाना कमा रहा है। इसी तरह से एक सेमिनार हॉल था तो हमने सवाल किया, तो सर ऐसा क्या हुआ? एक अजीब आदमी था, अजीब काम करता था, 25,000 सैलरी थी, 10,000 रुपये सिर्फ कपड़ों पर खर्च करता था, ड्राई क्लीन करवा के कपड़े पहनेगा, गरीब का बच्चा ड्राई क्लीन करवा के क्यों कपड़े पहनेगा, मैं समझ नहीं आता था। हुआ ये कि उसकी प्रमोशन हो गई, 80,000 सैलरी हो गई, दिमाग और ख़राब हो गया, आधी सैलरी जो है वो गोल्फ क्लब को देने देके आने लग गया, उसने मेंबरशिप ले ली, तब एक दफ़ा गोल्फ खेलने के 10,000 रुपये देता था वो नौजवान, मेहनत की हक हलाल की कमाई जो है जाके आधी गोल्फ क्लब वालों को देके आया। 80,000 से 2.5 लाख पे कैसे पहुंचा? ये बात बहुत समझने वाली है कि जब गोल्फ क्लब में पहुंचा तो उसकी कंपनी चेंज हो गई, उसकी कंपनी में शहर के सारे अमीर आ गए, वो शहर के सारे अमीरों के साथ उठता बैठता, उनके साथ हंसता गाता, उनके साथ गोल्फ खेलता, उनके साथ बातचीत करता, सवालात करता, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल देखता, वो अमीर ऐसे पहनते कपड़े, ये चीज़ें उसने ऑब्जर्व की, उसने कहा यार ये बड़ी चीज़ है, वो सब देख रहा था, क्या ठीक है बेहतरीन, अच्छा अमीरों के गोल्फ के कपड़े अलग होते हैं, दोस्त कैसे कैसे होते हैं, हाँ लड़कियों से कैसे बात करते हैं, बच्चों से कैसे डील करते हैं, ये सब चीज़ें वो सीखता गया आहिस्ता आहिस्ता। आपको ख्याल मिलते हैं ना, जरूरी है ख्याल के लिए अल्फाज, बेशुमार चीज़ें मैंने मुँह से बोली हैं, बेशुमार चीज़ें जिस्म से बोली हैं, बेशुमार चीज़ें हाथों से की हैं, ये भी एक ख्याल है, छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व करते हैं, असल लर्निंग ऑब्जर्वेशन है। तो उसने ऑब्जर्वेशन की, उसके अलावा ताल्लुक बनाना शुरू किया, और उसको समझ आया कि अमीर आदमी ताल्लुक कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, उसे पता चला यार ये तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे, तो उसने कहा यार ये गोल्फ वाला आदमी ना इसको जो है फलाना शायर पसंद है, उस शायर को पढ़ता हूँ, शायरी पढ़ी, ताल्लुक बनाया, शेर याद किया, उसको जाकर सुनाया, ताल्लुक बन गया। इस आदमी को जो है ना फलाना सिंगर पसंद है, गाने याद किए, गाने सुनने लग गया, उसके सामने जाके उसके फेवरेट सिंगर का गाना गाने लग गया, आहिस्ता ताल्लुक बनाना, वो सीख गया ताल्लुक बनाना। हुआ ये कि गरीब के बच्चे के शहर के सारे अमीरों से ताल्लुकात बन गए, और अब जहां वो जाता गरीबों की महफिल में सब उसे अमीर समझते, और वो लगता अमीर, अमीरों में रह रहे के वो खुद को अमीर समझने लग गया। और याद रखें जो चीज़ आप समझते हैं वो चीज़ हो जाती है, व्हाट यू बिलीव यू अचीव। यहाँ से आप अपने आप को समझेंगे ना, मैं आज सबसे काबिल आदमी हूँ उस हॉल में, आप बन जाएंगे सर। अगर मुझे अपनी बात पे खुद एतमाद नहीं आपको नहीं आएगा, अगर मैं खुद को जो है नाहल समझता हूँ आप लोग भी मुझे नाहल समझेंगे, जो मैं अपने बारे में मानता हूँ वो बन जाता हूँ। सो उसने अपने आप को अमीर मान लिया, अमीर बन गया। इंटरव्यू देने जाता था, कहता फलाना मालिक मेरा दोस्त है, फिर कहता अच्छा कॉल मिला के तू ये लो, लोगों ने कहा अरे यार ये तो हमारे कंपनी के मालिक का भी दोस्त है, बस ठीक है जो बोले सर सैलरी कितनी लेंगे, सो हो गया। ये थी उसकी जिंदगी की कामयाबी। अच्छा उसको मैं आपको बताऊँ, वो 30 लाख रुपये महाना भी जब सैलरी कमा रहा है ना, तब भी आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 30 लाख में से भी 15-20 लाख रुपए सिर्फ अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करता है। हम बेवकूफ लोग हैं जो समझते हैं हमें लर्निंग करनी है पैसा कमाने के लिए। असल में फॉर्मूला ये है कि हमें पैसा कमाना है ताकि हम लर्न कर सके। जिंदगी में हमें पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा गया। मेरे मालिक ने कहा कि हर इंसान बराबर है, सबको बराबर कर दिया। अल्लाह ताला कुरान में कहता है हर इंसान मर्द औरत बच्चा बूढ़ा बराबर है, मगर जो तुम मेल वाला है। किस लिए भेजा गया? नॉट फॉर अर्निंग। जब लर्निंग के लिए भेजा गया है तो हमें अर्निंग करके भी किस पे लगानी है? लर्निंग पे। हमारा फॉर्मूला ही उल्टा है कि नहीं है? ख्याल पावरफुल। बेशुमार लोग आते हैं नाउमीदी के साथ कि यार इतना पढ़ रहे हैं कोई फायदा ही नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, नौकरी करते हैं कि पैसा मिले किताबें खरीदें। सो बुनियादी तौर पर ये एक लर्निंग एटीट्यूड है, ये डेवलप करना है। लर्निंग इज नॉट नेसेसरी, लर्निंग एटीट्यूड इज। आप देख लें जो भी आज लोग जिंदा है ना, उनका लर्निंग एटीट्यूड था। हमने सुनी ना कहानी, जहाज डूब रहा था, भागते भागते बंदा आया, जहाज डूब रहा था और वो किताब पढ़ रहे थे, पानी के जहाज, आके किसी ने बताया जहाज डूबने वाला है, उन्होंने कहा कितने मिनट है, उन्होंने कहा 10 मिनट, तो ठीक है फिर तो किताब खत्म हो जाएगी, चुपचाप बैठ के किताब पढ़ते रहे। तो पता था कि अगर जिंदगी के आखिरी 10 मिनट हैं तो इसको भी किस पे लगाना है। बड़ी इसमें विजडम है कि आपका नबी जो है आपको क्या कर जा रहा है, खेलम हासिल करो झूले से लेकर कब्र तक, ये इसमें कोई तो विजडम होगी। आपके भी अजीम ख्याल होने चाहिए तो फिर सरवर कायनात को पढ़े, रसूल अल्लाह को पढ़े, आपको पता चलेगा। सीखने वाला रास्ते निकाल लेता है, ना सीखने वाला बहाने बना लेता है। मैं आपको एक रास्ता देता हूँ, कहते हैं ना लोग याद नहीं होती चीज़ें, ये अल्लाह ताला ने जब ये माइंड बनाया ना तो हमें बनाकर भेज दिया यहाँ पर। अल्लाह ने इंसान बनाया और फिर एक किताब भेजी और उस किताब में ये लिख दिया कि ये मैंने बेहतरीन तख्लीक की है,
बेहतरीन का मतलब फरिश्ते, जिन्नात, तमाम जानवर, जितने भी इस जहान में, उस जहान में, जितने जहान बनाए उन सब में बेहतरीन तखलीक इंसान की कर दी। कोई नई बात तो नहीं कर रहा मैं, सुनी हुई आपकी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बेहतरीन जो तखलीक है इसका फुल पोटेंशियल क्या है, ये कर क्या सकती है। आप कंप्यूटर खरीदते हैं, कंप्यूटर के साथ एक किताब मिलती है कि इस कंप्यूटर को ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे इस्तेमाल करें, तो बेस्ट यूज है कंप्यूटर का। मोबाइल के साथ मैनुअल मिलता है, इंसान के साथ कोई मैनुअल क्यों नहीं आया कि इंसान का फुल पोटेंशियल क्या है, इंसान क्या कर सकता है, इसको इस्तेमाल करना नहीं आता हमें। एक मिनट में 4000 वर्ड्स, CSS का SSS कितने वर्ड्स का होता है, उसकी रिक्वायरमेंट है 2500 से 3000 वर्ड्स। वो बंदा CSS का लिखा हुआ एक ऐसे जो है एक मिनट में पढ़ जाएगा, एक नहीं दो पढ़ जाएगा मेरे ख्याल है, कितना काबिल आदमी। तो क्या उसको अल्लाह ताला ने एक स्पेशल ब्रेन फिट किया होगा खास तौर पर बिठाकर? ना, हम सबको वही ब्रेन फिट किया, सबको वही क्वालिटीज दी। मेमोरी का आपको रिकॉर्ड बताता हूँ, मेमोरी रिकॉर्ड ये आप लोगों में से बेशुमार लोग होंगे जिनको मोबाइल नंबर याद नहीं होते होंगे, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक आदमी है जो 5 मिनट के अंदर अंदर 1000 मोबाइल नंबर याद कर लेता है। तो ये क्या है, क्या वो अलग इंसान बनाया अल्लाह ने? नहीं, इंसान सेम है, सिर्फ उनको इस्तेमाल करना आता है। इसको आपको नहीं आता, हमें कैसे आएगा? गौर व फिक्र करें, जिसको आता है उसको कहाँ से आया? अपने मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, सब कुछ अंदर है। खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, खुदी की खलवतों में किबरियाई, खुदी की जद में है सारी खुदाई। सो जब आपने अपने साथ बातचीत की, इंसान ने ऑब्जर्व किया इस माइंड को, तो एक चीज़ निकल कर आई, इंसान को नंबर याद नहीं होते, इंसान के पास नंबर की कोई पिक्चर नहीं, इंसान को लफ्ज़ याद नहीं होते। मैंने बोला थियोडोर रूज़वेल्ट, कोई तस्वीर, कोई ख्याल आ रहा है दिमाग में? कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं आपको अभी एक तस्वीर देता हूँ, थियोडोर रूज़वेल्ट, क्या आ रहा है दिमाग में? रोज की तस्वीर है, लेकिन थियोडोर रूज़वेल्ट की नहीं है, हालांकि वो बनी हुई है। गूगल पे भी आएगी तस्वीर, इस गूगल में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये गूगल जो है इसमें जो चीज़ तस्वीर बनी हुई होगी वही आएगी। आपको अल्लाह ने सुपर पावर दी, यू आर अ सुपर मैन, आपके पास ये पावर, माइंड, योर माइंड इज योर सुपर पावर, ये कुछ भी इमेजिन कर सकता है, कुछ भी। अभी मैं बोलूँ आपको, एक शेर है जिसका जिस्म बकरी की तरह है, लेकिन शेर का जो चेहरा है वो बब्बर शेर जैसा है, कर लिया इमेजिन? तो बुनियादी तौर पर दिस माइंड कैन थिंक एनीथिंग, हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है, जिस चीज़ की पिक्चर नहीं है वो याद नहीं होगी। हमारे माइंड के 3 हिस्से हैं, ये समझे, एक कहलाती है STM विच मीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी कहलाती है MTM विच इज मिडिल टर्म मेमोरी, और तीसरा हिस्सा जैसे कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें जाती हैं जिन चीज़ों का कोई पहले से रिकॉर्ड होता है, जिनको हम बार बार सुनते आते हैं। थियोडोर रूज़वेल्ट आपने आज पहली दफ़ा सुना है तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगा, लेकिन अगर आप डेली सुने, डेली लेक्चर पे बात हो, डेली आप इसको देखते हो, तो ये आपकी कौन सी मेमोरी में चला जाएगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो अगर आप चाहते हैं कोई नई चीज़ एकदम से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, तो उसके लिए एक सिंपल मेथड जो आज मैं बताकर जा रहा हूँ, कनेक्शन मेथड, लिंकिंग मेथड कहते हैं इसको, लिंक करना सीखें। जो चीज़ आपको आती है और जो चीज़ नहीं आती, उन दोनों को लिंक कर दें। कैंडी क्रश को कनाडा से जोड़ा, कजा को कजाकिस्तान से, मैं रोज़ को और रूज़वेल्ट को जोड़ दूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि रूज़वेल्ट एक सदर था और उसके हाथ में फूल होता है हमेशा, लेकिन अब रूज़वेल्ट को याद रखने के लिए रोज़ याद रखना है, तो फिर आपको याद आ जाएगा। थैंक यू सो मच, दिस वॉज इट।